वेदों से पूछा, लेकिन उसका एक ही इलाज बताया जाता है कि हरिद्वार जाओ, तीर्थ यात्रा करो, दान पुण्य करो। किस तरीके से राज देकर वजीर सत्यानंद को राजन हरिद्वार चले जाते हैं, बाद में वजीर की नियत खराब हो जाती है, क्योंकि नालायक आदमी हमेशा नालायकी करता है। वो अपनी बहन के समान समझनी चाहिए थी, लेकिन वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। ये पहली रागनी हमारे गुरुजी श्री चंद्रलाल और कैलाश की आवाज में आपके सामने पेश हो रही है, सुनिए। सत्ता नंद वजीर जिसने बहन कहा था आज करता है रानी बनाने की तदवीर। भाई साहब मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भाई किसे कह रही हो आप? आपको कह रही हूँ। हम किसी के भाई नहीं हैं, और आप यहाँ के राजा अब हम हो गए हैं। तुम्हारा भाई बीमार है, द्वार चला गया है, यहाँ की रानी बनो तुम और हमसे ब्याह करके यहाँ की मालिक बनो, उसमें आपको फायदा होगा। आप ये क्या बकवास कर रहे हो भाई साहब? आपने मेरे भाई से कहा था कि माया देवी मेरी धर्म की बहन है और इसकी धर्म की बहन बनाकर इसकी बड़ी शौक से शादी अपने हाथों से करूंगा, और तेरी ये नियत? अरे भाई, मर्द की जबान तो घूमती ही अच्छी है, गाड़ी का पहिया और मर्द की जबान घूमने में ठीक फायदा है, कहना कुछ करना कुछ, तो वो तो मैंने। अरे भाई, मर्द की जबान तो घूमती ही अच्छी है, गाड़ी का पहिया और मर्द की जबान घूमने में ठीक फायदा है, कहना कुछ करना कुछ, तो वो तो मैंने वक्त पार्स किया था। अब मैं तेरे फायदे की बात कह रहा हूँ, जो कुछ करना आपको बताइए। मेरी बात सुनिए। क्या और तेरे कैसे बदमाश ऊंट का दुनिया में ढिंढोरा पिट जासे, और तेरे कैसे बदमाश ऊंट का दुनिया में ढिंढोरा पिट जासे। अरे राज्य हो गए बोल महादेवी से, इसमें काम भलाई का, अरे नरक में बसा हुआ करे से तेरे कैसे अन्याय। दे यो कोना शख्स करने वाला,
मंद काली मां के डंक मारू तू चढ़कस फांसी तुड़वा दे जो कोना शख्स डरन वाला रतो दे सक फांसी तुड़वा दे जो कोना शख्स डरन वाला मंद काली मां के डंक मारू तू चढ़के जहर मरने आला तू नाल बनी मैं कृष्ण हूँ फड़ फड़ मंदिर ते करने वाला तो नाग बनी मैं कृष्ण हूँ फड़ फड़ मंदिर ते करने वाला ओ परचरिया की निगाहसी ये सब पता छुड़ा कसाई का ये मर्द तो बकरे बड़े काट दे कैसे काम समाई का बोली एक बगू दूर खड़ी रे मेरी घड़ी आनंद की आ जागी परी बोली एक बगू दूर खड़ी ओ बहू छेड़ के भाई की बाली पे गजल की मार पड़ी बहू छेड़ के भाई की बाली पे गजल की मार पड़ी अरे घरवासा करने में घरवासा करने में मां देवी कैसे काम बुराई का और महाराणा की डाल धर्म मत खोवे मीरा भाई का जन्म कैद क्या हो जन्म कैद हो ब्याह अच्छा पहले बेटे को पालेंगे फिर पोतों को पालेंगे फिर पड़ोसों को पालेंगे तो ये वो जन्म कैद है जिसकी कोई जबान नहीं होती पकड़ा जागा मर जाने तू तो धर्म राज के थाने में चार हाथ पैर धर रखी उम्र राजी कैद कराने वर मन जान हाथ पैर धर रखी उम्र राजी कैद कराने में खुश रहे हरी गुणे गाने में कोई मरे कोई पैदा हो दुनिया है आने जाने में कोई मरे कोई पैदा हो दुनिया है आने जाने में दादा शंकर दास की परनारी में हप्पास है कविताई का ओए गुरु मंगल चंद जावली में खुल रही स्कूल पढ़ाई का सुनो आपके भाई घंटी खुड़कने वाली है और हम यहाँ के राजा हैं अरे आप हमारी रानी बनो और आपको हमें पति मानना चाहिए जो आपको पति मानने में फायदा होगा भाई बनाने में वो आपको मजा टेस्ट नहीं मिलेगा चाहिए यहाँ से भाग जाइए अरे बात सुनो तुम रानी रहो हम राजा रहेंगे हम यहाँ के मालिक हैं अरे जा 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 आगे मालिक अरे जा 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 तू तो भाई नहीं बदकार हो गया मैं कैसे जाऊं तेरे से मेरा प्यार हो गया अरे जा 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 तू निकल जाए ना तुम बेकार हो जाओगी
हमें पति मानो। अरे तने जीवन ने, हो तने जीवन ने गुजारा गुलामी में सारा, तने जीवन ने गुजारा गुलामी में सारा, उले दे हमारा सहारा। कह दे ओ, 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 हर कह दे पिया प्यारा फिरू ना आवारा, हर कह दे पिया प्यारा फिरू ना आवारा, रहूं मैं गुलाम तुम्हारा। वो पुराना कुछ दोबारा जागा सरतारा, अरे खाके पीने गुलाम बढ़ के गुलाम हमारा जो गद्दार हो गया। कुछ भी कह ले तेरे से मेरा नहीं है। हम गुलाम हैं आपके। हाँ। अरे गुलाम तो हर मर्द होता है, शादी के बाद औरत की गुलामी की जाती है और मोहब्बत नाराज भी गुलाम फिट हो जाता है। अरे नमक हराम, अरे करके गुलामी हो 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 रंग बदामी आखिर सब नाकामी हो करके दे जमी लेगा बदनामी। अरे कुछ भी आवे नहीं आजा मेरे सामी, कुछ भी आवे नहीं खामी, ओ बढ़ के आजा मेरे सामी। बस नमक हरामी नमक हरामी क्यों अत पार हो गया। ओ हो चाहे गाली भी चाहे गाली भी दे ले तेरे से मेरा प्यार हो गया। Let's get started.
जिगर पे मारा ताना जिगर पे जेरा असर चंदर पे अरे न्याना तू सुनर पे न्याना तू सुनर पे पिटे रूप जर पे नहीं रखे ध्यान कदे हर पे अरे ध्यान अगतों का हर पे ऐसा औरत का बर पे अरे आइए हो आइए आइंदा ना घर पे डर बिटा मन निडर पे आइए आइंदा ना घर पे डर बिटा मन निडर पे मैं ते भी हो मैं ते भी तेरे सर पे काल सवार हो गया अरे मैं तो जाने गई तू सत्यानंदे गद्दार हो गया मैं तो जाने गई तू सत्यानंदे गद्दार हो गया मैं तो मरने से कभी नहीं डरती सत्यानंद वजीर माया देवी से वो उसको बहन बना था लेकिन उसे अपनी रानी बनाना चाहता है लेकिन वो पतिव्रता लड़की थी उसने सत्यानंद को धमका दिया वो दरबार में आ जाता है और जो उसके चमचे थे गलत काम करते थे उनसे अगर अपनी सलाह मिलाता है और क्या कहता है और दिल में गया विचार चमचे वहां पर पहुंच गए जाता लगा हुआ दरबार अरे सभा सुनो महाराज प्रणाम ऐसी लड़की को तो महाराज जान से मरवा देना चाहिए क्या बदतमीजी किया आपने उसके साथ अजी बस मैं बताता ही नहीं क्या कहे आप बताओ बहुत शर्मनाक बात है महाराज अरे क्या शर्मनाक है बोलो मुझे 10 बार तो उल्लू का पट्टा कह चुकी है जी हाँ उल्लू का पट्टा कहती है हाँ इसको कहते हैं और तरबूज से मोले ठीक है महाराज बड़ी बदतमीजी इज्जत नहीं करती एक काम करो भाई उस लड़के मारने की तरकीब करो आप तरकीब हम बता देते हैं महाराज आपको एक साधु बन जाओ मैं साधु बनकर हरिद्वार जाऊंगा और एक और ये राजा उसको पता करेगा और जाकर कहेगा तुम्हारी बहन माया देवी के दुष्कर्मों से तुम्हारे शरीर में बीमारी है ठीक है ठीक है अबे ठीक है तुम जाओ राजा से सूचना दो और सो मत जाना कहीं नहीं 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 अबे नहीं तू कई बार जंगल फिरता भी सो जाता है मैं भी आता हूँ चल तुझे कई बार खेतों में से लाता हूँ उठाकर अब प्रेमियों मंत्री हरिद्वार पहुँचता है जाकर राजा को उसकी बहन के बारे में झूठी सच्ची लगाता है और दिल में किया विचार उसी जगह पर मंत्री हरिद्वार पहुंचता है जाकर राजा को उसकी बहन के बारे में झूठी सच्ची लगाता है और दिल में किया विचार उसी जगह पर आ गया दीवान जी जहां था खूबसूरत हरिद्वार अरे आओ मंत्री मैं ठीक हूँ आप महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रणाम खुश रहो आगे बताओ राज में सब ठीक है महाराज राज में बहुत गड़बड़ी चल रही है क्या गड़बड़ी चल रही है आपके राज में आपकी बहन जो है वो बड़ी दुराचारनी हो चुकी है बदतमीज हो रही है बदतमीज हो रही है क्या बदतमीज कर रही है महाराज महल में सो आते हैं सो जाते हैं देखो ऐसी बात हमेशा कान में कहा करते हैं महाराज इस वक्त तो हम तुम ही हैं यहाँ पर चलो तो किस रास्ते चलोगे इधर से चलिए हाँ मुझे प्यास लगी है सामने एक साधु है साधु से हम उसकी कुटी पर चलते हैं और बात करते हैं नारायण 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 महाराज प्रणाम मुसाफिर आइए महाराज चंद्र गुप्त अरे मंत्री ये तो हमारा नाम भी जानता है महाराज ये तो बहुत पहुँचे हुए साधु हैं साधु क्या भगवान का रूप है अरे भगवान से भी डेढ़ हाथ ऊपर हूँ आपके मन में कोई बीमारी है राजा बीमारी है मैं तुम्हारी हस्तरेखा देखता हूँ ठीक है मैं इनमें करक कल से कुछ आज फरक राजा जरा आगे तो ये बताओ हमारे तन में क्या बीमारी है बम बम महादेव क्या बीमारी है तुम्हारी तो झंडी फटने वाली है ओहो जी हाँ क्या बीमारी है तुम्हारी घंटी घुड़कने वाली है राजन हमें बताओ क्या बीमारी है बहुत बुरी बीमारी है अच्छा तुम्हारे घर में है क्या बीमारी है बोलो अगर वो उसकी जड़ रही तो तुम्हारे वंश का विनाश हो सकता है महाराज तो कौन है महाराज जी बताइए सुनिए अबे रागनी देसी है माखनी साधु राजा को समझाता है मने तो माखनी साधु राजा को समझाता है और तेरी जान की दुश्मने तो
कुमारी से और उसी के दोस्त राजा होते दिमारी है। दुखे सड़े ते तू बच जागा दुख सहने दे उस लड़की के सहने तेरा जा ओ जागा दुखे सड़े ते तू बच जागा दुख सहने दे उस लड़की के सहने तेरा जा ओ चोरी के रहने तेरा जा आन तुम्हारी खुशी के ये माया देवी का सांग चंदा कश्यप की तरफ से भाभी का पिक्चर डाला है। लड़ जा चोरी की कट जागी दिशा तेरे सिर की भी हट जागी दशा तेरे सर की भी हट जागी जो थोड़े से दिल डट जागी तेरी सूरत अरे जो थोड़े से पण का और नाश कर रही सवा धर्म में परण का परण का खुद चोरी के रखन का राजा ओ खुद चोरी के रखन का राजा दोस भरी कड़ा जा रही है सर रुकते जी माँ ओ मैं जा रही हूँ कड़ा जा रही है पानी लेने जा रही हूँ पानी लेने जानी है हाँ मेरी बात सुन ले हाँ की है अरे क्या चाहिए मैं सर जा रही है जा रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ अरे कड़ा जा रही है सर रुकते जी माँ ओ मैं जा रही हूँ कड़ा जा रही है पानी लेने जा रही हूँ पानी लेने जानी है हाँ मेरी बात सुन ले हाँ की है अरे क्या चाहिए मैं सर जा रहा हूँ सर जा रहे हाँ एक काम करिए एक गर्मी खतर बीजने लिए ये बीजना हाँ आए आए तेरे खतर बीजना की लाल लहर लगा दूँ लाल नहीं बात सुन लेते हाँ मेरा नो डांडी का बीजना मेरा नो डांडी का बीजना मेरे कुसरे ने दिया घड़वाए ओ झड़ा जोड़ना मेरा नो डांडी का बीजना मेरे कुसरे ने दिया घड़वाए झड़ा जोड़ना के बीजना
तेरी ओ तेरी सास कहरी बहु छान ले, मेरी सास कहे बहु छान ले, मेरी सास कहे बहु छान ले, मेरे राजा जी हलावे हाथ ओ धोली हो जा चून में जी मेरा नोटा संगीतकार भुलन मास्टर समू और शब्बीर कुमार और रमेश कुमार घुंगुर पे है श्री चचमराव सिंह। मेरी नारंग कहे बहु पीस ले, मेरी नारंग कहे बहु पीस ले, ओ तेरी नारंग ओ तेरी नारंग कहरी बहु पीस ले, मेरे राजा जी हला में हाथ ओ छाले पड़ जा हाथ में, मेरे राजा जी हला राजा गाना खेड़ा वाले अब अच्छे पेटी मास्टर पर हैं तेरा भुलन सिंह धोलत पर शब्बीर नकारे पर रमेश कुमार घुंगरू पर उमराव सिंह मेरे राजा जी हला में हाथ आ झूले पड़ रहे बाबी आपकी इज्जत नहीं करती और प्रजा में गड़बड़ फैली हुई है, यह सच है। वो किसी की इज्जत नहीं करती तो हम उसे अपने हाथों से कत्ल करना चाहते हैं। सुना लग रही है, पहले आप अपना सुनिए कि वो क्या कहती है। पहले आप जाएंगे? हाँ तो आ जाइए, मैं छुपकर सुनता हूँ। अब माया देवी के पास सत्यानंद आता है सिर्फ इसलिए के साथ डर कर वो तुझे पति बना ले, लेकिन ऊंचे घर की बेटी कभी सर नहीं झुका करती। वो किस तरह से कहता है, माया देवी? अरे फिर आ लिया तू सत्यानाश। मैं कहता हूं अगर अपनी जिंदगी चाहती है तो तू अब भी सत्यानंद को पति समझ ले। नहीं, मैं ऐसा मैं कहता हूं अगर अपनी जिंदगी चाहती है तो तू अब भी सत्यानंद को पति समझ ले। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती, मैं पतिव्रत लड़की हूं। तो तेरा खोटा वक्त आ रहा है, इसलिए तू नहीं मान रही। सुन ले, क्या होगा क्या होगा। तने कोड़ाया ने का दाग लगाया और नहीं आबरो रे तू तो समझ मेरी है दुश्मन मेरी तने पर के रे फरक के रे दिया बा Oh!
मरी बापड़ोती क्या ना मरी। आज मेरी भरी गुस्से में काया मेरी भरी गुस्से में काया और मंगवा के तलवार नाड़ कटूंगा तेरी तेरी जिंदगी है मेरे हाथ। वजीर बताया उल्लू का पट्टा वजीर बताया उल्लू का पट्टा तन बट्टा मेरे वजीर बताया उल्लू का पट्टा तन बट्टा मेरे नाम के लगाया तन पट्टा मेरे नाम के लगाया और आसा दिया संसार करूंगा तेरे तन की ढेरी करूं तेरे तन की ढेरी तेरे लहू उठो ना कई गुरु महाराज हो कर ले बंद जबान तेरी शान देखनी
ना चाहता ऐ पापने बेईमान। ऐ पापने बेईमान तने बड़ा भारी जुलू बहन नहीं हत्यारण है रावण किसी बहाने सुपन जा और चंद्रगुप्त महाराज के दिल में विचार हो लिया ओ माया देवी कातिर कातर ने जत राजा तारे हो लिया। गर्दन अपने हाथों से कत्ल करना चाहता हूँ। अरे तुम्हें जरा शर्म नहीं आवे और बेशर्म हो कहीं डूब मरो और कन्या पे उठावे। और हमने सोचा है मारी माँ वजीर साहब आप देखते हैं उठावे साहब आप देखते हैं ये जो हमारी राजमाता है इसी की बिगाड़ी हुई है लड़की। हमने सोचा है हमारी माँ हमारा बंद नाक में सांस करेगी ओ राज खुशी नहीं छोड़े इस घर का विनाश करेगी। घर का नाश करेगी या पापड़ नाश नाश में नहीं सारे राजा थारा पड़ता फास करेगी। तो पीवेगी मेरा लिखड़े जी इसका हौसला बढ़ गया ओ मेरे बाप गुजर गए या पापड़ रहेगी इस परंडा पा चढ़ गया। जो हम चाहेंगे वही होगा आप पिछड़ जाओ इस लड़की को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे ये हमारे खानदान का विनाश कर रही है। आप ऐसा करें जी महाराज के सलाहों को बुलाकर इस लड़की को संदूक में बंद करके ठीक है और दरिया में नदी में गिरवा दो और साथ मुझे भेजो ताकि ये गड़बड़ ना कर सके। आपको किस लिए भेजू ताकि रिश्वत देकर जल्लादों को छुड़वा ना दे। आप बहुत समय पा रहे हैं आप जाइए साहब। अब उसने सोचा था कि नदी में जाने से शायद माया देवी तुझे पति बनाने की हाँ भर ले। आप बहुत समय पा रहे हैं आप जाइए साहब। अब उसने सोचा था कि नदी में जाने से शायद माया देवी तुझे पति बनाने की हाँ भर ले। हाँ तो कितने संदूक में लड़की बंद कर दी गई और माँ को बेटी का प्यार होता है तो कितने से वो बेचारी अपनी बेटी को देखकर रोती और कहती है। अच्छा माँ अब ये वो तरह है जो हमारे गुरुजी की मशहूर तरह कभी जवानी में गाते थे माया देवी दुखी होकर रोती है तो उसकी माँ क्या कहती है सुनिए पुरानी तरह है जिसको दीपक और कैलाश और हाँ बेटी आप चिंता मत करो अब तो ऐसे ही होना जैसे भगवान ने तुम्हारी तकदीर में लिखा है लेकिन कभी धर्म की हार नहीं हो सकती। आप अपनी तपस्या भूल रहे हो। मात पिता बेटी जैसे मारो मार
ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਬੇ ਦੁਖਦਾਰਨ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਗਵਾਇਆ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੀਕੇ ਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਰਾਤ ਗਵਾਇਆ ਕਰਦੀ ਬੇਟੀ ਗੋਦੀ ਮੈਂ ਲਹਿ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ कहती चली
जब दरिया में संदूक माया देवी की बहती चलती है, धर्म की नाव कभी नहीं डूबती, लेकिन बुरा करने वाले इंसान को खुद ही पछताना पड़ता है। वो किनारे पे देख रहा है और संदूक बहती जा रही है तो सत्यानंद के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसकी हालत को देखकर और वो भी रोना शुरू कर देता है। Please!
और संदूक में धर्म की भी ज्योति सी जलती चिड़िया साल के माँ रुकी दुखिया संदूक में रजस मछली जाल के चलती है, लेकिन धर्म की नाव कभी डूब नहीं सकती। वो नाव की तरह से वार से पार तिरकर एक किनारा किनारा लग जाती है, और उधर भील किस तरह से भर में चलते हैं और वो अपने भीड़ियों से मिलकर चलते हैं, और किस तरह से एक माया देवी पर सत्यानंद ने कष्ट दिया ही था खानदान की बेटी पर, लेकिन एक वहां भील भी उससे टकराते हैं और मेरे सत्य सुनते हैं। सत्यानंद ने कष्ट दिया ही था खानदान की बेटी पर, लेकिन एक वहां भील भी उससे टकराते हैं और मेरे सत्य सुनते हैं। भीली के बात सेना के राज में जा रहा हूँ चोरी करण चोरी करने खान कमांड। अच्छा तो एक बात सुन ले, तू तो खान कमांड जा रहा है, इन बच्चों का इंतजाम कर दे बाल का ना। हाँ करूँ इनका इंतजाम कर दे खान पीने का इंतजाम करूँ साड़ा में भूसाड़े कोठे में रोक के माचिस दिखा दे। अच्छा होगा इंतजाम, ये बात ना है, मेरी बात सुन ले सुना दे। अरे उल्लू की पट्टी इतना 64 बार पैदा करती है, सारी गलती तेरी है, सारी गलती तेरी है, सारी गलती तेरी है, सब तेरी। क्यों करे, मेरी तो छोटी सी गलती है, छोटी सी। अच्छा सब गलती तेरी है। अच्छा सुन सुना, मैं एक हूँ कमेरा मेरे बच्चे बारह तेरा, मैं एक हूँ समेरा मेरे बच्चे बारह तेरा, ले थाम अपना तेरा ठहरू जो के पिताजी मारे आधे अंके साजी, आपे मैं हो रहा राजी घर में नाज नहीं आजे माँ आज का क्या करूँ, 10 बोरी रोज लाई जा महीने में। अच्छा मेरी बच्ची तलब पूरी खोज की बहुत ज्यादा कर रखी है, सब गलती मेरी है। चला चला साजन शर्मा का भाइयों घर में राना पल्ले पैसा जब तक रहा तुम्हारा डंका मेरा अमीरा कैसा, जब तक आई तू लक्ष्मी घर में खेला
संदूक दरिया में बहा दी गई थी। वो दरियाओं के किनारे लग जाती है। उस दरियाओं के किनारे भी लोग लुटेरे रहते थे, जो हमेशा लूट का ही काम करते रहते थे। वो दोनों चोरी करने के लिए चलते हैं, उन्हें मिलती है संदूक तो माया देवी को बाहर निकालते हैं। अरे इधर आ, ओ चले झटपट, ओने गुरु झटपट आइए। अरे चलो कहीं चोरी करने के लिए चलते हैं, आइए चलिए। लेकिन गुरु, हाँ एक बात सुनो। बोलो। आप इस दरियाओं में देख रहे हैं, ये सामने से कितना अच्छा संदूक बहता हुआ रहा है। मालूम होता है किसी साहूकार बच्चे का जहाज से गिरी है। जी हाँ, संदूक के अंदर बहुत माल है। माल है। चलो बेटे, तुम दरिया में बड़ो, निकाल लो। ओके। और दिलो ने बांधे काटली, और करकड़े तुम दिलो ने संदूक बार ने काटली। भाई साहब। अरे किसको कहते भाई साहब? आपको। हम तुम्हारे भाई नहीं है, हम तो देवी तुम्हारे चाहने वालों में से हैं। अरे मत ना करियो, मैं पतिव्रता स्त्री, मन मत छेड़ो चंडाल। मरा तेरा बैठ गया सिंजोग, और तू पतिव्रता स्त्री, हम स्त्री भरता लोग। देखो भाई साहब, पराई औरत से कभी भी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। देखो मोहब्बत पराई औरत से होती है, कोई झोंके से नहीं हो जाती है। अरे औरत की जग में मोहब्बत निराली, अरे हम भी कड़ी, अरे हम भी कड़े हैं। ओ कर जाने आके नया घाव चस्ते। अरे मर जागा पागल मेरे फंदे में फंस के, तेरी धोली बत्ती सी गोरी मार दिया हके, तेरी धोली बत्ती सी गोरी मार दिया हके। और तने केर दूंगी दस के उचस्ते। अरे मर जागा पागल मेरे फंदे में फंस के, तेरी धोली बत्ती सी गोरी मार दिया हके, तेरी धोली बत्ती सी गोरी मार दिया हके। और तने केर दूंगी दस के, तने केर दूंगी दस के, मैं नगण हूँ काली, फिर फण फण पैल से करे वो का माली। काफी दिन हो गए बेकार फिरते फिरते। वो आपकी किस्मत है। हाँ। दोनों गुरु चले कि झटोले में पड़े रहे ऊपर नीचे। हाँ। कर देगा पागल फटकारा घूंघट का, और मेरे लग गया, ओ मेरे लग गया गोरी तेरे नैनो का खटका, ओ मेरे लग गया गोरी तेरे नैनो का खटका, मेरे लग गया गोरी तेरे नैनो का खटका। मर जागा बहुत बुरा औरत का लटका, और औरत के लटके में आशिकले झटका सता, औरत के लटके में आशिकले झटका। तू तो मानस का पटका, मानस का पटका, मैं वीर भोली भाड़ी, भोले मैं चुपकी कैलाश तार उखाड़ी, औरत की जग में मोहब्बत निराली। सुहागा सुगर पाटा न जोड़े, हो बेदर्दी हो के मेरी कड़ाई मरोड़े, हेरा न
नखरा दिखा के क्यों इस नाक में सकोड़े, अरे नखरा दिखा के क्यों इस नाक में सकोड़े, अरे क्यों हंगे पे तोड़े, क्यों हंगे पे तोड़े, मैं हूँ मेवा की डाली और तू मेवा का पेड़, मैं हूँ सिंचनिया माली। मुझे बहुत खतरा है। अरे क्या कर रही हो तू भाई, कर रही हो और क्या, तुझे ताऊ कहूं और ऊपर को बढ़ती जा रही है। लोग भी कहते हैं आप नहीं जानते हमारी हैसियत, क्या तेरे जैसे तो हमारे यहाँ नौकर रहते थे कभी। ओ, मेरे जैसे तुम्हारे नौकर, हाँ मगर तुम्हारे जैसी औरत, मेरे जैसे तुम्हारे नौकर, हाँ मगर तुम्हारे जैसी औरत हमारे क्या काम करती है, क्या बोलो। तेरे तेरे हो तेरे हो तेरे जैसा हो नौकर आगे डोलन की खातरी, तेरे ओए तेरे जैसी बहू वो पंखा डोलन की खातर, तेरे वर्गी बहू वो पंखा डोलन की खातर, तेरी कड़वी कड़वी बात जी करे छोलन की खातर, चंद्र मिठी जबान की है बोलन की खातर, सदा मिठी जबान की है बोलन की खतर, और खुलने की खतर चाहिए, और खुलने की खतर चाहिए तारे में ताली, जैसे वीर ने भरता रे और धरती ने खाली, अरे औरत की जग में मोहब्बत निराली, हम भी खड़े हैं जरा मेहरबानो कुदरती रणते कुमार जिससे माया देवी की सगाई बचपन में हो चुकी थी, क्या जाएगा कौन हो, कौन हो तुम, तुम कौन हो, अरे मैं छतरी बलवान है, छतरी हलाते हैं जमीन आसमान को अच्छा, और ठीक करते हैं रास्ते में तुम्हारे क्या से पापी शैतान को। ऐसी ऐसी छतरी तो हमने बहुत पढ़ी भाई साहब, आजकल तो छतरी वतरी पढ़ लिया तो साली डंडी की डंडी रह रही है बस, बकवास बंद करो। छतरी कई किस्म की होती है, अरे इस लड़की को क्या छेड़ते हो, अरे लड़की छेड़ने की होती है और क्या करने की होती है, सुनो हमें जंगल के भील जो मारते लाठी निकाल देते हैं चील, अच्छा। हमारे सामने आदमी ऐसे उड़ता है जैसे उड़ती है चील, यहाँ पर ये राम जिला टिक गया ना वहाँ पर पड़ जाएगा चील, बात सुनो समझे, अरे भीले से तो कौन बता तो दुनिया भरी लुगाई का, समझिए मत ना मैं आ गया जाल कारनिया, और कौन सच जो मेरे हाथ की गड्डी में के उखाड़निया, और कौन सच जो मेरे हाथ की गड्डी में उखाड़निया, तेरी गड़ी गड़ाई कुखड़ता भी तक काम भली, गड्डी में उखाड़निया, तेरी गड़ी गड़ाई कुखड़ता भी तक काम भलाई का, और इस रियासत में भी कोई नहीं ओ तनिया मेरी लड़ाई लड़ा है खराब, क्या समझता मैं आपको, अरे सुनो अरे मारी मेहरबानी तू खाना का बकवास क्यों कर रहा है, सुनो खाना छोड़ दो, अरे माल पिराना, बहू पर आई घर पे डटा ना करते, आई मेरी बात सुन ले, अच्छी चीज की दुनिया ग्राहक है, भलाई से सोते ना कौन लाता है मेरा, बड़े बड़ों का नाश कर दिया है पढ़ाई औरतों ने,
नाम हरा नाश नहीं करा भाई। बालिका प्रमाण याद नहीं है तुझे? सबका प्रमाण याद है। किसी का प्रमाण याद नहीं है? कोई बात नहीं, मरेंगे तो मजा लेकर मरना है, ऐसे नहीं मरना है। भीम ने उसे फोड़ दिया क्या ना करते? अरे पागल मौत समझ ले अपनी, सत्संग बहु कराई का। और कौन मरे कौन जीवे होने दे, एक जोग हसनाई का। नकार कर रहे हो किधर? हमें धोते रंगे जन्म रंगे बड़ी मुश्किल का निर्माण मिले भी खाना सूचना फंसे आते भाई। अरे पापी धर्म बिगाड़े मत ना। अच्छा। अरे पापी धर्म बिगाड़े मत ना, इसकी सत्ती छोरिया का। और आदर नहीं जगत में होता हाली बिना दोरिया का, कदे आदर नहीं जगत में होता हाली बिना दोरिया का। अरे छोड़े मैं मुंह पिटा करे से तेरे किसे बोरिया का। बिना दोरिया का कदे आदर नहीं जगत में होता हाली बिना दोरिया का। अरे छोड़े मैं मुंह पिटा करे से तेरे किसे बोरिया का। पर मेरे हाथ में से है के है और बरसना की जोट मिलन में कौन सा काम बुराई का। और आपने मरने की परवाह नहीं। बोलिए। अरे बात जब पाओगे दोनों जब अनी तनी जोड़ दूंगा। मैं बापू नहीं करते भाग जाएगा। मेरी बात सुन ले, इसका लठ मारूंगा तेरी एक में सगर गंदी जी बिठा दूंगा। अरे मेरी बात सुन ले तू। हाँ। अरे बात जब पाओगे दोनों जब अनी तनी जोड़ दूंगा। और तेरे तीर सुई से बीबू टेक के मैं इनसे पीछे मोड़ दूंगा। तेरे तीर सुई से बीबू टेक के मैं इनसे पीछे मोड़ दूंगा। अरे ऐसो मैं किस पिस्टल लेना और दूर से दूर फोड़ दूंगा। अरे मेरा एक झेसड़ा बहुत सुधा पिस्टल का काम बढ़ाई का। और क्या गुरु चंद्र लाल पूजा क्या खाजा कटड़ा खेत कसाई का। अप्रेमियों माया देवी को रणतेज कुमार भीलों से बचाकर अपने राज में ले आता है। माया देवी को पता चलता है कि यही वो तेरा पति है जिसके साथ में तेरी सगाई हुई है। वो बेचारी बहाना लेकर के मैं अपने घर जाना चाहती हूँ वजीर के साथ भेज देते हैं। वजीर भी गद्दारी करता है, माया देवी को छेड़ता है, वो उसे बन में पीट कर भगा देती है और साधु बन जाती है। वजीर आकर अपने राजा रणतेज कुमार से मिलता है और बताता है कि वो तो डायन थी, वो कहीं चली गई है। महाराज प्रणाम। महाराज मैं अपने जहाँ भेजा था महाराज गुस्सा की हो गई है, वो लड़की बन में जाते ही मुझे छोड़कर चली गई। महाराज ये मालूम नहीं कहाँ गई, बहुत बुरा रूप था महाराज, वो तो डायन के रूप में थी। डायन थी जी, कहाँ गई, बहुत बुरा रूप था महाराज, वो तो डायन के रूप में थी। डायन थी जी। सर्वजीर के बात को क्या कदम लड़का से मजनू की तरह पागल हुआ माया देवी का हो गया मैं। महाराज आपका तो चेहरा ही बदल गया है, क्या हो गया आपको? बूझो न यारो काया, बूझो न यारो काया, रंज में घिर गई कर के बीमार माया देवी दिगर गई। Let me see you.
जाहे सगाई नहीं लुकमान के पाई नहीं बहम की दवाई नहीं बहम की दवाई नहीं शकल दिखाई नहीं किवे है या मर गई करके खाना लाऊं अरे खाना नहीं भावदा रागना सुहावदा नबियत में मेरे मेरी माया देवी खटक रही है पल्लों को दामन को झटक रही पल्लों को दामन को झटक रही है रग रग में रुम रुम में मेरी माया देवी अटक रही है पत्ते में डाली डाली में माया देवी लटक रही है खाना नहीं भावदा रागना सुहावदा आहे प्रेम सतावदा वो फोटू भी नहीं पावदा वो फोटू भी ना पावदा आहे सबर भी ना आवदा अजी हो सबर बिना आना पागल कर गई वो तो कर के बीमार माया देवी बिगड़ गई देवी बिगड़ गई पागल कर गई वो तो कर के बीमार माया देवी बिगड़ गई देवी बिगड़ गई डॉक्टर साहब बोलिए इलाज बताइए हमारे राजकुमार का तुम्हारे राजकुमार का हाँ। क्या राजा को तकलीफ है तकलीफ है महाराज प्रणाम आपको क्या बहन हो गया है महाराज आपकी कैसी तबीयत है अरे मेरी बात सुनो हाँ। उसका लिखो लिखवाइए जल्दी से जल्दी स्टोर से दवाई मंगवाओ कौन सी लिखो हाँ। लीला छोटा नील बड़ी लीला छोटा नील बड़ी ये तो खुजली का नुस्खा है पूरा नुस्खा सुन ले हाँ। लीला थोता लील बड़ी अच्छा भगवान का प्रसाद तीन बड़ी अब ये खुजली की दवाई है आप डॉक्टर हो या कुछ और सोते अबे मैं हर मरीज में यही दवाई देता हूँ हर मरीज को अच्छा हाँ प्रीतन भाई को ना लुकमान देवी भाई को ना बहन की दवाई आया है बहन की दवाई को ना चकल दिखाई को ना जीवे है या मर गई और कल के मार माया तेरी गर्दी महाराज आपको बहम हो चुका है आपकी शादी करवाना चाहते हैं हम शादी में माया देवी के बिना नहीं करूंगा माया देवी से ही शादी होगी और क्या हमसे करोगे माया देवी राजन कहिए इनकी शादी करो बारात की तैयारी करवाओ ठीक है नहीं तो जीवित नहीं रह सकते तुम्हें मालूम है इसको कोई महादेवी नाम की लड़की आई थी उस लड़की का बहन है इसको बारात चढ़ाओ ठीक है मेहरबान हो रणतेज कुमार को बहन हो जाता है शादी की तैयारी की जाती है लेकिन वो बहन में पागल होता है कहता है महादेवी के अलावा शादी नहीं कराऊंगा जबरन फटे हुए कपड़ों में कहते हैं महादेवी जहाँ पर साधु बनी बैठी थी राजकुमार को प्यास लगती है पानी पीने के लिए कुटी पर जाता है माँ माया देवी साधु के भेष में से मिलती है उसको देखकर दूना बहम हो जाता है मिल गया तो बहम छोगड़ा ओए रे बाबा जी हाँ जय गुरु जी ओए बाबा जी ओ बाबा जी अरे टूटी छान बाबा की देख के छान बाबा की कुमार लाचार ओ कुमार लाचार हो ना
बेदार हो गया लता बेदार हो लतेदार लतेदार हो गया यकी यकी बाबा जी मैं तेरे चरण कहूँगा चला कर ले मैं तेरे चेला कर ले तेरे बोल भी सहूंगा मैं रहूंगा मन में बाबा जी बसत मेरे मन में बाबा जी मैं तेरे आधार हो गया तेरे आधार हो आधार हो आधार हो गया ये टूटी छान बाबा की देख परेशान बाबा की बाबा जी तेरे साथ बाबा जी मेरा भी प्यार होगा मेरा भी प्यार हो प्यार हो जा प्यार हो जा बाबा की मुर्दा चार होगा बाबा जी मिल गया भी जान बाबा जी जोड़ा एक सार हो गया जोड़ा एक सार हो सार हो एक सार हो गया या टूटी छान बाबा की देख के शान बाबा की उम्र ना चार हो गया ये उम्र जवान और आपने कपड़े कैसे पहन रखे हैं आपका ये बुरा हाल क्यों है क्या कारण है बाजी बाजी आपको मेरी बारात देना पड़ेगा जबरदस्ती मेरा ब्याह किया जा रहा है और इसके साथ मेरी मोहब्बत और प्यार है उसका पता नहीं है आज माया देवी का लेकिन पहले मेरी बात सुनिए या तेरी उम्र जवान और शान चंदासी या तेरी उमर जवान शान चंदासी और क्यों करे लाली जड़गी के पूछेगा नाथ गात में गुप्त बीमारी जड़गी जवान शान जड़गी मर जा
मैं राज कंवर बिन तेरे जगत बावला क्या करे जिसको बिठा राम जी केरे बाबा जगत बावला क्या करे जिसको बिठा राम जी मगर मरना पड़े रे फिरना पड़े रे मिलके जोत बिछड़ेगी तेरी उम्र जवान शान
रास दिखावणिया आए मेरे कमाट टिकावणिया मेरे कमाट टिकावणिया हो लखर की पींदन चढ़ गई कमरी सिंह ने गुणवान ज्ञान से बर्फ की गांठ बढ़ गई तेरी उम्र जवान शान चंदा बहन बताइए आपके क्या है भाजी क्या बहन है आपको मेरी बरात में चलना होगा तुम्हें साधु संत किसी की बरात में नहीं चला करते अरे साधु संत पहले बहन बताओ आपके क्या है किसका बहन है मेरा सख है भाजी क्या शक है आपको बुरा तो नहीं मान जाएगा नहीं भाजी बुरा तो मानिए मेरा सख है क्या शक है आपको अरे बाबा जी तेरे शान देख के मेरे तन में उयाय सुन अल्फी आरे तेरा मेरी बहू की सदा ये क्या कह रहे हो सूरज किस किरण चमकरी तेरी दोनों आंख बराबर चले बिजली के तरह खमकरी तेरे सर पे काली लठा दमकरी जड़ चंदन पे दाग भुजंग रे सुन अलखी आए तेरा मेरी बहू का सडंग दुख भरोसू अरे सपने में भी नहीं देखती मरदम याद करूसू मेरे माया देवी बिना फिरूसू ऐसी थी आंख डरी सी थी वह इतनी लंबी उर बड़ी सी और असर तबूरा रंग मैं तेरी साथ नहीं चल सकता क्यों क्योंकि आप तो गृहस्थी हो और हम मोटे हैं पापा हैं साधु संत किसी की बरात में नहीं चला करते अरे बाबा गृहस्थ आश्रम भी सबसे बड़ी चीज है अगर तेरे हमारे माँ बाप ना होते तो हमर तू पैदा कर गृहस्थी हो और हम मोटे हैं पापा हैं साधु संत किसी की बरात में नहीं चला करते अरे बाबा गृहस्थ आश्रम भी सबसे बड़ी चीज है अगर तेरे हमारे माँ बाप ना होते तो हमर तू पैदा करे तो होते ये तो स्पेशल पुर्जा फिट किया गया तो फिर अगर ये यो न बात होती तो ये रोशनी नहीं होती हाँ अरे आजकल ये मंदिरों में हर जगह फोटो लगाए देखे बाबा
कहीं तो चार भुजा है जगदम्बा के, कहीं आठ भुजा है, तो इतनी भुजा जमना सबको टिक्कर के पेड़ थोड़े जो डाले भूट जाए। लेकिन हिंदी का ज्ञान लोग नहीं समझते कि भुजा क्यों है, क्यों है? दो भुजा बाप की, दो भुजा माँ की, जब तक ऐसे औलाद नहीं होती तो चार भुजा सृष्टि का रूप है। और पीछे औलाद होने के बाद, पुत्र होने के बाद दो भुजा बेटे की, दो बेटे की बहू की, आठ भुजा इकट्ठी नहीं हो सृष्टि चालू नहीं हो सकती। लेकिन मैं चलूंगा तो मेरी शर्त होगी। तो जगदम्बा सृष्टि का इनाम है जो जगत को जन्म देकर, और जगत का क्यों है, ठीक है तो बाबा। लेकिन मेरी शर्त है। क्या? सुनिए। ताना यारा ना, अरे तू
कोरा हूँ मस्ताना। तू क्या हन देख के बाबा सुन ले, तू क्या हन देख के मस्ताना, तू क्या हन देख के बाबा सुन ले, तू क्या हन देख के दीवाना, ऐसी कौन सी अदा हमारी। अरे मेरी मोहड़िया मेरी मोहड़िया, किसी संत तेरी बोली प्यारी प्यारी। अगर जो तुमने ईद के बहू कह दिया ना तो बात खराब हो जाएगी। अरे बाबा चाहे खराब हो जाओ कुछ हो जाओ, कैसे हर बहू की ओर का फिकर संत मन आठो पैर तहस। अर बहू की ओर का फिकर संत मन आठो पैर तहस। बहू का फिकर कितने ढूंढ जो मुझा जाल पहसे। ओ बाबा देगा बहु का फिक्र कित जाके ढूंढ जो मुझा जाल पहसे। अरे तुए बता दिए बाबा जी मेरी कित सिख बहु रहसे। अरे तुए बता दे बाबा जी मेरी कित सिख बहु रहसे। टिके मारा बहु रहसे। अरे तुए बता दे बाबा जी मेरी कित सिख बहु रहसे। टिके मारा तेरा बब हमारा तेरा निजान मिलना हम मोटे तू घर बारी। अरे साधु तेरे बिन मेरे रहूंगा। मैं तो चलूंगा तो नारद टूटते अकला बड़ा रहूंगा। मैं तो बैठूंगा पास और सोऊंगा पास तेरे। मैं तो सोऊं पास, मैं तो सोऊं पास, ना बैठूं पास कितना अकला बड़ा रहूंगा। तू सही सराने बाबा मैं तो तेरे पाता बड़ा रहूं। बाबा तो तेरे पाता पड़ा रहूंगा। गुरु चंद्र लाले गुरु चंद्र लाले निपती को ना कदे अरे सबर की यारी। गुरु चंद्र लाले सुदामा ने तू मिल गया तो सनम लाली। ये जन्मास आ चुका है हाँ। तो बोलिए आप क्या कहना चाहते हो। बाबा कथा सुनाइए। किसकी? माँ देवी। यहाँ राजा और वजीर सब इकट्ठे हो रहे हैं और सत्यानंद वजीर भी वहाँ मौजूद था। बुरे करने का फल बुरे इंसान के सामने आता ही है क्योंकि माँ देवी ने पहले तो कष्ट उठाया, नदी में बहा दी गई और बाद में भीड़ों से टक्कर ली। बाद में साधु बन गई मीरा भाई तरह से। हमारे भारत की नारी में ताकत है जो हमेशा हमेशा मीरा बाई बनकर पत्थर को प्रति समझ कर पार हो गई।
तो सच्चाई की जीत होती है। तुम्हारे वजीर ने भी उसके साथ गद्दार पना किया और फिर वो साधु बन गई। तो वजीर ने गद्दार पना किया? हाँ। बाबा तो साधु बन गई? साधु बन गई मैं देनी। हाँ। और बाबा तुम कब से बनी हो साधु? मैं तो साधु बन गई। तो वजीर ने गद्दार पना किया? हाँ। बाबा तो साधु बन गई? साधु बन गई मैं देनी। हाँ। और बाबा तुम कब से बनी हो साधु? मैं तो थोड़े दिन से बना हूँ। मैं भी बाबा एक कमी हो गई क्या? जो ईश्वर ने आ की मात्रा लगा दी तेरे में कि बनगी, अगर ए की मात्रा लग जाती कि मैं बनगी बन गया हट के बनगी बन जाती, अब बहू बन जाती तो क्या होता? बाबा हद हो जाती। बताइए जल्दी। अब ये तर्ज है बाबा कौन सी? अगर मैं लड़की होती। फिल्म वालों में बात है दो लाइन बढ़ा सकते हैं, लेकिन तीसरे बोल में बोल नहीं बढ़ा सकते। अगर तू छोरी हो काटी तकदीर हमारी, जो मैं पढ़ती राज दुलारी, कट कट मरते ब्रह्मचारी। की बीमारी नहीं करती तेरे तैयारी। अगर मैं छोड़ी